ये कहानी है व्लादिमीर विलिच नाम के डिटेक्टिव की। हम देखेंगे कैसे वो अपनी सूझबूझ से दुनिया को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डिटेक्टिव विलिच को, जो आज एक इम्पॉर्टेंट मिशन पे है। उसका एजेंट हैरी को एक डीलर से एक बैग रिसीव करना था, पर इसी दौरान दो टाइगर ग्रुप वो बैग हैरी से छीन कर भागने लगते हैं। विलिच वहाँ किसी की बाइक लेकर उनका पीछा करने लगता है और इस पूरे भागदौड़ में सारे शहर का बहुत नुकसान हो जाता है। हालांकि विलिच आखिर में उस टाइगर को पकड़ लेता है और उससे वो बैग वापस ले लेता है। विलिच का बॉस आज के मिशन में हुई गड़बड़ी को लेकर बहुत गुस्सा था। वो उसे कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से शहर का इतना नुकसान हो गया, और पनिशमेंट के तौर पर विलिच को ओरिएंटल सी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट दे दिया जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि इस ड्यूटी को लाइटली ना ले, क्योंकि वहाँ बेस पर बहुत सेंसिटिव मटेरियल रखा हुआ है। और अगले दिन विलिच को उस ओरिएंटल सी के बेस पे पहुंचा दिया जाता है। वहाँ की हालत देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि यहाँ कोई काम नहीं होगा करने को। विलिच का वेलकम हेक्टर नाम का एक रैट करता है, जो कि वहाँ का एक आईटी एक्सपर्ट था। हेक्टर तो काफ़ी फ्रेंडली था, पर विलिच किसी के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि हमेशा वो अपना काम अकेला ही करना चाहता था। विलिच को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन सबमरीन के सारे कुछ लुटेरे वहाँ बेस पर आए। वो अपनी डायरी की मदद से वहाँ का लॉक खोलते हैं। इधर हेक्टर अपनी फेवरेट हीरोइन मिया की मूवी देख रहा था। विलिच को वो हीरोइन पसंद नहीं थी, और वो उसके बारे में कुछ गलत बोल देता है, जिसे लेकर विलिच और हेक्टर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनका अलार्म कब से बज रहा है। वो कैमरे में देखते हैं कुछ लुटेरे वहाँ चोरी कर रहे हैं। वो दोनों उन्हें पकड़ने जाते हैं। वो लुटेरे भी उन्हें आता हुआ देख लेते हैं और वहाँ असाइंड ड्रोन को उन पर हमला करने के लिए लगा देते हैं। विलिच कुछ ड्रोन को अपनी बंदूक से शूट कर देता है। हेक्टर एक ड्रोन पर चढ़कर उसे रीप्रोग्राम करके अपने कंट्रोल में लेता है। वो लुटेरे वहाँ रखे खास तरह के केमिकल को चुरा रहे थे। विलिच और हेक्टर ने लगभग उन लोगों को पकड़ ही लिया था, तभी उन लुटेरे का तीसरा साथी आकर उन्हें भगाकर ले जाता है। वो लुटेरे उस केमिकल को लेकर वहाँ से जा चुके थे, पर उनका वो डायरी विलिच के हाथ में लग जाता है। विलिच का बॉस उन पर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि उनकी मौजूदगी में ये गड़बड़ कैसे हो गई। विलिच उन्हें वो डायरी दिखाता है और कहता है कि उसे बहुत बड़ी लीड मिली है। वो लुटेरे शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल से ऑपरेट कर रहे थे। उनका बॉस उन्हें एक आखिरी चांस देता है और उन दोनों को उस हॉस्पिटल में अंडरकवर जाने को कहता है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर विलिच को अकेले ही काम करना था, इसलिए वो हेक्टर को बेहोश करके वहीं हॉस्पिटल में छोड़ देता है और वो हॉस्पिटल की छानबीन करने लगता है। वहाँ वो हॉस्पिटल की मेंटेनेंस गाय से भी मिलता है, जिसके गले में हमेशा एक सांप रहता था। विलिच न्यूज़ में देखता है कि एक राइनो पर किसी ने फ्रोजन बीम से हमला किया है और अभी उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया है। उस रैने को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाने में विलिच उनकी मदद करता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं, पर उस रैनो का हार्ट बीट तेजी से गिर रहा था। डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पर उन मेंटेनेंस गाइस की हरकतों की वजह से लाइट चली जाती है। तब विलिच इलेक्ट्रिक फिश की मदद से उसे शॉक देता है। उसकी हार्ट बीट फिर से नॉर्मल हो जाती है। उस मेंटेनेंस वाले सांप को कॉफ़ी से एलर्जी थी और गलती से वो कॉफ़ी पीकर बड़ा ड्रैगन बन जाता है। विलिच हॉस्पिटल में क्लोई से मिलता है, शायद उसे वो पसंद आने लगी थी। तभी वो ड्रैगन वहाँ आ जाता है। वो लोग भागने लगते हैं। क्लोई उसे रोकने के लिए उस पर इंजेक्शन फायर करती है, जिससे वो वापस से नॉर्मल शेप में आने लगता है। क्लोई विलिच को गिरने से भी बचाती है। हेक्टर भी अब उठ चुका था और वो सबको बताने लगता है कि वो एक स्पाई है। हॉस्पिटल के लोग उसे पागल समझकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और एक गोट की मदद से वो वहाँ का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलता है और वो सीधा विलिच के पास आ जाता है। विलिच उसका मुँह बंद करके एक कमरे में ले जाता है, ताकि वो किसी को विलिच की सच्चाई ना बता दे। विलिच को वहाँ पता चलता है कि ये रूम तो उस राइनो का था, तो वो यहाँ से कहाँ गया? लगता है किसी ने उसका किडनैप करवाया है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। वहाँ एक्टर की फेवरेट हीरोइन मिया आई थी। वो डॉक्टर से बात कर रही थी कि उसे अपने एंटीना रिड्यूस करवानी है एक फिल्म के रोल के लिए। डॉक्टर उसका अपॉइंटमेंट लेकर चला जाता है। विलिच सुनता है कि मियाँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। वो लोग न्यूक्लियर वारहेड चुराने की बात कर रहे हैं। विलिच मियाँ से पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारा मिशन क्या है। तब उसे पता चलता है कि मियाँ अपने आने वाले फिल्म के रोल के लिए रिहर्सल कर रही थी। वो मियाँ को इस बारे में किसी को ना बताने को कहता है, पर मियाँ कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी अगर वो उसे अपने मिशन में शामिल कर ले। ये उसकी आने वाली मूवी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। विलिच को उसे अपने मिशन में शामिल करना पड़ता है। हॉस्पिटल में वो लोग दो बेड्स पर नज़र रख रहे थे। वो लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। एक्टर नीचे जाता है, पर वो बेड्स लिफ्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जरूर फ्लोर के बीच में एक सीक्रेट डोर है। हेक्टर उस लिफ्ट को हैक करके उस सीक्रेट कमरे तक पहुंचता है। वहाँ उन लोगों को हर जगह उस डॉक्टर की फ़ोटो दिखाई देती है। उन्हें एक फाइल और एक सीडी भी मिलती है, प्रोजेक्ट एक्स वन नाम से।
पर उस सीडी को चलाने के लिए जो प्लेयर चाहिए था वह बहुत मुश्किल से मिलता है। वहाँ उन्हें वो केमिकल रेडियो जाइड भी मिल जाती है जो सी बेस से चोरी हुआ था, और उनका वो सूट भी वहीं से बरामद होता है। विलिस को पूरा यकीन हो गया था कि वो डॉक्टर ही इन सब चीज़ों के पीछे है। वो कोल्ड डेमन भी डॉक्टर ही है जिसने उस रैनो पे हमला किया था। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं वही दो बैट्स उस रैनो को लेकर कहीं जा रहे हैं। वो उनका पीछा करते हैं और उन्हें रुकने को कहते हैं। तभी वहाँ वो कोल्ड डेमन आ जाता है और उस रैनो पे हमला कर देता है। विलिस उससे लड़ने लगता है पर उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। तभी उन्हें वहाँ एक बाइक दिखाई देती है जिस पर एजेंसी की लोगो भी लगी थी और वो अभी भी काम कर रही थी। विलिस उसे उड़ाने लगता है और उस कोल्ड डेमन पे हमला कर देता है। कुछ देर तक तो उसे अच्छी तरह से संभालता है पर उसके एक हमले से उसका मशीन बर्बाद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर भी वो बिना कोई हथियार के ही उस डेमन से लड़ता है। वो डेमन उसे मारने ही वाला था कि तभी हेक्टर वहाँ आ जाता है और अपनी गन से उसका एक हाथ डैमेज कर देता है। वो डेमन वहाँ से भाग जाता है। विलिस उसे लड़ते वक्त उस डेमन का कुछ बाल नोच लेता है और उसे वो डीएनए टेस्टिंग के लिए हेक्टर अपनी मशीन में डाल देता है। मियाँ को वहीं छोड़कर वो लोग उस सीडी के प्लेयर ढूंढने निकल जाते हैं। उस डीएनए टेस्टिंग में मियाँ को पता चलता है कि यह बाल किसी बियर का नहीं है बल्कि किसी मैमूथ का है। इसका मतलब डॉक्टर वो डेमन नहीं है। वो हेक्टर को फ़ोन करके बताती है पर हेक्टर का फ़ोन डेड होने की वजह से वो उसे यह बात बता नहीं पाई। उस सीडी के थ्रू पता चलता है कि वो डॉक्टर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल किया जा सकता था और जितने भी जानवर की प्रजाति खत्म हो रही है उन्हें बचाया जा सकता था। उनकी मशीन रेडियो जाइट की पावर से काम करती थी और इसका पहला ट्रायल वो एक आइलैंड पर रहने वाले मैमूथ पे करने वाले थे, पर मशीन में आई गड़बड़ी के कारण वो पूरा आइलैंड जमकर बर्फ में बदल गया और डॉक्टर की वजह से एक पूरी मैमूथ प्रजाति खत्म हो गई। विलिस को पूरा यकीन हो गया था कि वो डॉक्टर ही इन सब चीज़ों के पीछे है। वो जाकर सारी बात अपने बॉस को बताता है। वो खुश होकर विलिस को प्रमोशन देता है पर हेक्टर देखता है कि बॉस का एक हार्ट डैमेज है। और तभी वहाँ की असिस्टेंट की गलती से वहाँ का एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ उस कोल्ड डेमन का सूट रखा होता है। और अब हम देखते हैं कि विलिस और हेक्टर एक जेल में बंद हैं। वहाँ वो टाइगर भी बंद होता है जिसे विलिस ने ही पकड़ा था। हेक्टर उस टाइगर की वीडियो गेम कम्प्लीट करने में मदद करता है और वो टाइगर उन्हें वहाँ से बाहर निकलने में। वो दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें क्लोई वही लुटेरे वाली सूट पहने मिलती है। क्लोई भी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी। वो उन्हें लेकर एक जगह पर पहुंचती है जहां बहुत से जानवर की प्रजाति जो खत्म होने वाली थी अपने अपने सूटेबल इन्वायरमेंट ग्लोब में रखे हुए थे। वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद वो कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया और तब से वो अपने मशीन को बेहतर बनाने में लगा हुआ है ताकि वो विलुप्त हो रहे जानवरों को बचा पाए। पर उसकी मशीन को चलाने के लिए किसी बड़े एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए उन लोगों ने रेडियो जाइट चुराई। हेक्टर डॉक्टर को बताता है कि पूरी मैमूथ प्रजाति खत्म नहीं हुई है क्योंकि उनका बॉस भी एक मैमूथ है। उस हॉस्पिटल को एजेंसी की फोर्स घेर लेती है। वो उस डॉक्टर को पकड़ना चाह रहे थे। विलिस उन फोर्स से लड़ता है पर वो अकेला उतने सारों के लिए काफ़ी नहीं था। तब उस सांप को फिर से कॉफ़ी पिलाई जाती है और वो ड्रैगन बनकर उन सारे फोर्स को हरा देता है। पर तभी कोल्ड डेमन वहाँ आता है। उसकी कोल्ड रेज के आगे वो ड्रैगन भी कुछ नहीं कर पाया और वो जम गया। वो डेमन उस डॉक्टर को बताता है कि उसके डैड को हमेशा से कुछ अनहोनी होने का डर था, इसलिए उसे एक्सपेरिमेंट के दिन उन्होंने उसे दूर भेज दिया था और फिर उसने अपने परिवार को ख़त्म होते देखा। और अब उस डॉक्टर के साथ भी वो वही करेगा जो उसने उसके फैमिली के साथ किया। पर तभी क्लोई और विलिस उस डेमन पे हमला कर देते हैं, पर क्लोई भी उससे हारकर बर्फ़ की तरह जम जाती है और विलिस को बचाने के चक्कर में हेक्टर का भी वही हाल होता है। तभी मियाँ अपनी बहुत सारी मधुमक्खियों के साथ उस पर हमला कर देती है और उसका सूट डिस्ट्रॉय करने लगती है, और इसी का फ़ायदा उठाकर विलिस अपने गन से उस डेमन के सूट का पावर सोर्स रेडियो जाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो बिल्कुल ही निहत्ता हो जाता है। पर वो मियाँ को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। तब वो डॉक्टर उसे एक मैमूथ से मिलवाता है जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड थी। वो उसे बताती है कि इस डॉक्टर ने ही उसकी जान बचाई है, ये डॉक्टर बुरा आदमी नहीं है। तब वो भी अपना गन फेंक देता है और सबसे माफ़ी मांगता है। डॉक्टर फिर से सभी जमे हुए लोगों को वापस से नॉर्मल कर देता है और लास्ट में हम देखते हैं कि विलिस और क्लोई साथ में हैं। मियाँ और हेक्टर भी एक दूसरे के साथ खुश हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें।